टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि आजकल संन्यास एक मजाक बन गया है। खिलाड़ी रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं और फिर वापस क्रिकेट खेलने आ जाते हैं। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार है। इस सीरीज की शुरुआत से पहले उन्होंने रिटायरमेंट को लेकर एक बड़ा बयान दिया। रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप 2024 की ऐतिहासिक जीत के बाद T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था। ये रोहित का सबसे पसंदीदा फॉर्मेट भी है। ऐसे में क्या भारतीय कप्तान आने वाले समय में अपने फैसले से यू टर्न ले सकते हैं या नहीं, इस पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच जीतते ही इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था। रोहित के अलावा विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। रोहित ने अब रिटायरमेंट से यू टर्न लेंगे के बारे में बात करते हुए जियो सिनेमा पर कहा कि वर्ल्ड क्रिकेट में इन दिनों संन्यास एक मजाक बन गया है। खिलाड़ी रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं और फिर वापस क्रिकेट खेलने आ जाते हैं। ऐसा भारत में नहीं हुआ है, भारत में ऐसा मुश्किल से देखने को मिलता है। हालांकि मैं अन्य देशों के खिलाड़ियों को देख रहा हूं, वो पहले रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं और फिर यू टर्न ले लेते हैं, तो आपको समझ नहीं आता है कि किसी खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है या नहीं। लेकिन मेरा फैसला आखिरी है और मैं बहुत स्पष्ट हूँ। जिस फॉर्मेट में खेलना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, उसे अलविदा कहने का वो सबसे सही समय था। रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के लिए लगभग 17 साल T20 क्रिकेट खेला। इस दौरान वो दोनों T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का हिस्सा रहे। 2007 में उन्होंने बतौर खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था और फिर 2024 में वो बतौर कप्तान ये ट्रॉफी जीतने में कामयाब रहे। रोहित ने इस दौरान टीम इंडिया के लिए कुल 159 T20 मैच खेले। इन मैचों में उन्होंने 5 शतक की मदद से 4231 रन बनाए। वहीं इस फॉर्मेट में रोहित के नाम 32 अर्धशतक भी दर्ज है। रोहित शर्मा के लिए अब बड़ी चुनौती लगातार तीसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बनाने पर है। टीम इंडिया फिलहाल पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। ऐसे में उसके लिए बांग्लादेश के खिलाफ खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज का काफ़ी अहम रहने वाली है। इस सीरीज के बाद टीम इंडिया को अपने ही घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच खेलने हैं और फिर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। ये दौरे पर दोनों टीमों के बीच 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 में टीम इंडिया की आखिरी सीरीज होगी और इसी के बाद फाइनल खेला जाएगा। अब सबको पता है कि यार ये जो 10 टेस्ट मैच है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन 10 टेस्ट मैच में से भारत 5 टेस्ट मैच जीत लेता है तो भारत WTC फाइनल में प्रवेश कर जाएगा। साथ ही साथ जो दूसरी टीम है जो सबसे ज़्यादा क्लोज है फाइनल पहुंचने के, वो है ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद अगर किसी का चांस आता है तो वो है साउथ अफ्रीका। बट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का लगभग कंफर्म माना जा रहा है कि ये दोनों टीमें WTC फाइनल एक बार फिर से खेलेंगी। और 2023 में जो भारत के साथ हुआ WTC फाइनल में, वो इस बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीतकर बदला लेगी।